पहाड़ के इस तरफ है बंगाल, पहाड़ के इस तरफ है सिक्किम और बीच में बह रहा है ये खतरनाक सा खूबसूरत सा नदी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही पहुंच जाएंगे हम लोग सिक्किम तक। वेलकम इन सिक्किम। सो भाई अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों सिलाड़ी गांव का ट्रिप खत्म करके आज हम लोग पहुंच जाएंगे इस सिक्किम आरिटा इस गाड़ी से। तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ सिलाड़ी गांव में। एक सिलाड़ी गांव जैसे टोल्ड यू दैट ये है दार्जिलिंग मीन्स दार्जिलिंग और सिक्किम का एक बीच वाला जगह। तो दार्जिलिंग जो ट्रिप करते हो वो भी आ सकते हो, जो सिक्किम जा रहे हो इस सिक्किम वो भी आ सकते हो। इसमें एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, कमाल का वीडियो मैंने बनाया, आपने अगर देखा नहीं है तो पहले का वीडियो देख लीजिएगा। तो गाइस हम लोग का भैया आ चुके हैं आरिटा ले जाने के लिए, पर इस सिक्किम जाने के लिए सिक्किम में एंट्री करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा जाते जाते गाड़ी में जाते वो भी आपके पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, कितना खर्चा होगा वो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ पर रुकेंगे, क्या क्या साइट सीन देखेंगे इस सिक्किम का पूरा आप लोग देखेंगे। तो हम लोग का पूरा लगेज सब कुछ हम लोग का ऊपर अभी रखा जा रहा है, अच्छी तरह से पैकिंग मैकिंग करने के बाद हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। ये देखो सिक्किम का ही नेम प्लेट इसके मतलब सिक्किम, ये सिक्किम का ही कैब है। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गाड़ी में बैठेंगे सामने और हम लोग के साथ जा रहा है इस हम लोग का जो ये भैया, ये हम लोग का जो जो होम स्टे का ही लड़का है मीन्स इसके जो मालिक का बेटा है। भैया तुम्हारा नाम क्या है? आतित। आतित स्कूल क्लास 7 में पढ़ते हो राइट? 7 में पढ़ते हैं। तो इसका स्कूल यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है बेटा? 8 किलोमीटर दूर है इसका स्कूल। तो हम लोग ने सोचा भाई हम लोग उधर ही उस रास्ते से जा रहे हैं तो उसको भी साथ में लेकर स्कूल में ड्रॉप कर देंगे। तो गाइस ये होने जा रहे हैं अनदर अमेजिंग टूर एडवेंचर शुरू। तो खर्चा स्टे सब कुछ मिलाकर ये वीडियो होने वाला है, पूरा इन्फॉर्मेशन ठूस ठूस के मैं देने जा रहा हूँ। तो भाई सिलाड़ी गांव को छोड़कर चलिए निकलते हैं। दोस्तों ऑलरेडी जर्नी तो शुरू हो चुका है और आज का प्लान थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ और उसका खर्चा कितना आएगा वो भी वन आफ्टर वन आपको बोल दूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो क्या है आज हम लोग सिलाड़ी गांव छोड़ के जा रहे हैं सिक्किम। ओके सिक्किम ये भाई ईस्ट सिक्किम है ना? ईस्ट सिक्किम। ओके ये ईस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम में जा रहे हैं। ईस्ट सिक्किम का भी एक थोड़ा सा ऑफबीट कर रहे हैं। ईस्ट सिक्किम में लोग जाते हैं मेनली गैंगटॉक राइट, बट हम लोग गैंगटॉक नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं रोलेप। ये भी एक बहुत ही एक अलग थलग फैला हुआ एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है। और रास्ते में जाते हैं हम लोग क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा बोल देते हूँ। टुडे हम लोग पहले जाएंगे वाया ऋषि, ऋषि एक जगह वाया ऋषि हम लोग जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा बिकॉज सिक्किम में जाने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए, आपको चाहिए वोटर कार्ड। ओके वोटर कार्ड का आपका जेरोक्स वो लोग ले लेगा, आपका फ़ोटो भी चाहिए। तो इंडिविजुअल्स हर जन का वोटर कार्ड का बच्चे हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और आधार भी दिखा सकते हो जो छोटे बच्चे का आधार होता है राइट। बट बड़े हो तो आपको आधार नहीं चलेगा, आपको मस्ट चाहिए आपका यू नीड टू हैव योर आईडी प्रूफ वोटर कार्ड। तो ऋषभ में दिखा के हम घुस जाएंगे सिक्किम। ऐसा आपको मैं बोल देता हूँ ये जो खर्चा कितना आता है अगर गाड़ी बुकिंग करोगे। तो देखो आज सिलाड़ी गांव से जब आप कोई कार्ड लोगे सिक्किम जाने के लिए रोलेप जाने के लिए ओके तो आपको दो जगह से गाड़ी मिल जाएगा। एक मिल जाएगा आपको कालिम्पोंग से बुक कर सकते हो जो मेन जंक्श मेन है, और एक है पदोंग राइट भाई पेदोंग। ये दोनों ही मेन पॉइंट है, वहाँ से आप कार्ड ले सकते हो। तो भैया का जो सजेशन था तो उस समय जो उन्होंने गाइड किया हम लोगों को, अगर आप पेदोंग से गाड़ी लोगे तो आपको गाड़ी पड़ेगा 1500-1500। सब मान लीजिए हम लोग 1500 सो मान लीजिए हम लोग ये 5 जन है, 5 जन अगर 1500 डिवाइड कर दिया तो कितना हो रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए 300 पर हेड ठीक है। तो अगर छोटा गाड़ी लोगे तो थोड़ा सा कॉस्टिंग कम पड़ जाएगा, पर अगर कालिम्पोंग से अगर गाड़ी लोगे तो आपका क्या होगा कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 500 ज़्यादा पड़ेगा। तो गाइस तो इसीलिए
पेदोंग से ही आपको गाड़ी बुक करना है सिक्किम जाने के लिए। अच्छा, कोई अगर डायरेक्टली ऐसे जुलुक जाना चाहते, जुलुक जा सकते, जुलुक जुलुक जा सकते ना, तो जुलुक यहाँ से कितना, अच्छा यहाँ से रोले 60 किलोमीटर, राइट? रोले के यहाँ से 60 किलोमीटर है, और जुलुक अगर जाओगे तो कितना भाड़ा पड़ता है, पेदोंग से गाड़ी भाड़ा कितना पड़ता है? जुलुक से ये तो सब पैकेज में होता है। अच्छा, पैकेज में होता है, लेकिन वन डे जाएगा तो भाड़ा महंगा पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली पैकेज भी कितना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया? मेरा जो व्यूअर्स देख लोग आएगा तो हेल्प हो जाएगा। पैकेज में तो जो अभी हम जा रहा है वो 3,000 करके देता है पर डे का। अच्छा, पर डे 3,000 का पर डे। अच्छा, तो यहाँ पर पैकेज भी कर सकते हो, बिकॉज लोग यहाँ पे इधर ऑफबीट है, वन डे जाएगा तो ज़्यादा लाएगा, दो दिन के लिए 3,000। ओके, सो गाइस, तो ये है एग्जैक्टली द थिंग, क्योंकि देखो ऑफबीट ट्रैवलिंग में एक मसला तो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि देखो अगर आप सिटी एरिया में घूम रहे हो, सिटी एरिया का मतलब गैंगटॉक में घूम रहे हो, गैंगटॉक जैसे जगह पे, वहाँ पर हर मोड में आपको मिल जाएगा, आपको ऐसे गाड़ी, आपको कैब एंड ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पर क्या होता है ना, एक एकदम पूरा नेचर, चारों तरफ नेचर है, तो नेचर को अगर एक्सप्लोर करते हुए जाओगे तो आप अब भी ट्रैवल करोगे तो आपका ट्रैवलिंग की कॉस्टिंग थोड़ा सा अलग पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं होता है। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सिक्किम बॉर्डर। हाँ, बंगाल का चेक पोस्ट है ये, सॉरी, ये बंगाल का चेक पोस्ट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऊपर का डॉक्यूमेंट्स, ये वाला डॉक्यूमेंट्स, दो कॉपी का। हाँ, सभी का दो कॉपी है, देख लो। एक कॉपी उधर देना पड़ेगा, एक कॉपी देना पड़ेगा उधर, एक कॉपी देना पड़ेगा। ओके ओके, ओके, तीन डे वोटर कार्ड, वोटर कार्ड एक एक कॉपी, बच्चे का आप ले लो, ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये लास्ट वाला है बर्थ सर्टिफिकेट, लास्ट वाला है बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, एक ले लो बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, दे रहा है, ये तो हम लोग का तीन का हो गया। ओके फाइन, हाँ हाँ वो रख दीजिए, उधर भी देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, रख दिया। सो फ्रेंड्स, ये है बंगाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही पहुंच जाएंगे हम लोग सिक्किम तक, राइट? तो बंगाल बॉर्डर में यहाँ पर कुछ चेकिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप जब भी सिक्किम जा रहे हो तो आपको यहाँ पर बॉर्डर में, आपको बंगाल बॉर्डर में देना पड़ेगा एक एक डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आपका जस्ट लाइक वोटर कार्ड का जेरोक्स, और अगर बच्चे हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, और साथ में आप क्या दे सकते हो, आप उसका आधार, अगर है बच्चे का आधार है वो भी दे सकते हो। बड़े बच्चे का तो एक्चुअली वोटर कार्ड नहीं होता है, तो उसके बाद खुल जाएगा बंगाल का बॉर्डर, बंगाल खुल जाने के बाद इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे सीधा सिक्किम बॉर्डर। ओके, तो सिक्किम बॉर्डर में सेम डॉक्यूमेंटेशन होगा, सेम डॉक्यूमेंट्स इधर पे आपको देने के बाद वहाँ पर सामने ही सिक्किम में सेम क्रॉसिंग होगा, ब्रिज क्रॉस करने के बाद सिक्किम। सर, ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सिक्किम, ये बंगाल तक है ना? थैंक यू। सो ये देखो, ये इंडिया बांग्लादेश आ रहा है, पर इंडिया बंगाल एंड सिक्किम का बॉर्डर, फैंटास्टिक मोमेंट। तो गाइस, फाइनली बंगाल को छोड़कर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं सिक्किम तक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि सिक्किम एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया मतलब इंडिया चाइना का बॉर्डर एरिया है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा सख्ती से होता है। চার বাচ্চা এলে স্যার ওদিকে যাবো হাঁটতে। সো গাইজ, অলরেডি বর্ডার হম লোক ক্রস কর চুকে হ্যাঁ, করনে কে বাদ হম লোক আ রহে হ্যাঁ বর্ডার কে ছোড় কর। ওয়াও, ওয়াট আ ফল ম্যান। यस, ये देखो कितना खूबसूरत है, भाई गॉड, यहाँ पर देखो जस्ट लाइक नदी बह रहा है यहाँ से, इधर से दिखाता हूँ आपको, इधर से भी अमेजिंग।
अमेजिंग। ये इंडिया और सॉरी बंगाल और सिक्किम का एकदम बीच का जगह है। एज यू कैन सी दैट इज ये ब्रिज है, अमेजिंग ब्रिज, इट कनेक्ट्स बोथ स्टेट्स। सो पहाड़ के इस तरफ है बंगाल, पहाड़ के इस तरफ है सिक्किम और बीच में बह रहा है ये खतरनाक सा खूबसूरत सा नदी और हम लोग बीच पे खड़े होकर मज़े ले रहे हैं। फीलिंग समथिंग अमेजिंग मैन, फीलिंग सो गुड। सो गाइस टूरिज्म का मतलब जर्नी, जर्नी एक बहुत एडवेंचरस होता है। अगर कहीं पे जा रहे हो, इफ़ यू आर एंजॉइंग, जगह जगह पे रुको और ये ब्यूटी को एक्सप्लोर करो। देख सकते हो सिर्फ हम लोग नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हैं एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल सीनरी। तो वेस्ट बंगाल को छोड़ कर अभी मैं मूव ऑन कर रहा हूँ सिक्किम बॉर्डर। ये सिक्किम बॉर्डर, सिक्किम बॉर्डर को क्रॉस करके हम लोग अभी अंदर जाएंगे सिक्किम बॉर्डर के अंदर। तो जैन सर, सो ठीक है, सॉरी सर, सॉरी, वेलकम इन सिक्किम। सो भाई अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं देखें। जर्नी करने के बाद ऑलरेडी मैं पहुंच गया हूं हम लोग का होम स्टे में। दिस इज अवर होम स्टे और सबसे बढ़िया चीज होम स्टे से ये सामने का व्यू, व्यू पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। सामने तो अभी फॉग है और क्लाउड है, अभी इतना बढ़िया व्यू नहीं आ रहा है, बट जब सनशाइन वेदर रहता है यहाँ पर पूरा पीछे सामने यहाँ पर पर्वत का रीजन है, इट सीम्स सो गुड। तो होम स्टे का अलग सा वीडियो बनाएंगे, होम स्टे का रेट क्या है, होम स्टे कैसे बुक कर सकते, पूरा इन्फॉर्मेशन अलग सा वीडियो होगा होम स्टे के ऊपर। बट थोड़ा सा पूछ लेते हैं भाई, इस जगह का एग्जैक्टली जगह का नाम क्या है? आलीटार। अरे होम स्टे का नाम क्या है? संगीय होम स्टे। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू। दिस इज आवर होम स्टे, होम स्टे खूबसूरत है बहुत, एकदम व्यू पॉइंट एकदम, ओके दैट्स नाइस। तो आलीटार ये होम स्टे है, तो कैसे बुक करोगे, इसका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैं देता रहूँगा। बट सर फीलिंग सो गुड, लुक एट, बहुत ही बड़ी होम स्टे है। अगर एक अच्छा सामने वाला रूम मिल जाए तो पूरा एकदम सामने का व्यू पूरा क्लियर। ये पूरा ऑफबीट डेस्टिनेशन है गाइस। एक्चुअली सिक्किम टूरिज्म को आप तीन तरह के तोड़ो, एक तो है जस्ट लाइक जो नॉर्मल जो फेमस जगह है, ओके नाथुला, गैंगटॉक, एम जी मार्ग, ऑल दिस प्लेसेस आर। एक है बहुत रॉ एडवेंचर, मीन्स नॉर्थ सिक्किम वाला जो रॉ एडवेंचर, और तीसरा ये वाला ऑफबीट ट्रैवल, राइट। तो भाई तीनों ही करना है आपको, तीन टाइम में आओ एक्चुअली सिक्किम को, तीन चार टाइम आओगे तो पूरा सिक्किम घूम पाओगे। या देखो कितना बढ़िया जगह है, पूरा एकदम जंगल के बीच में, नीचे देखो छोटा छोटा कस्बा है, लोकल लोग यहाँ पर नीचे रहते हैं और यहाँ पर हम लोग रहेंगे। बौद्धिस्ट लोग भी देख सकते हो आज आजू बाजू है। ओके हाय बौद्धिस्ट, कौन सा मोनेस्ट्री? ओके बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ओके दैट्स फाइन। तो चलो मेरा लैपटॉप अभी उतरने है मेरे गाड़ी से, तो चलो लैपटॉप का बैग उतरने के बाद बाकी का सीन आपको दिखाता हूँ। नहीं ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म ही कर देता हूँ, ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करता हूँ। होम स्टे में जाएंगे, होम स्टे का अलग से रिव्यू हम लोग करेंगे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।